सिख कौम के चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा अज पूरे देश और दुनिया में श्रद्धा सहित मनाया जा रहा है। इस मौके वड्डी गिणती में संगत श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक हुई। इस पावन दिहाड़े दी श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों संगतों को बधाई दी गई। अपने संदेश जिथे उन्होंने संगतों को श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश दिहाड़े दधाई दी उत्थे ही उन्होंने गुरु जी वालों दिखाए मार्ग से चलने की अपील भी की। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। देश विदेश दे विच नानक नाम लेवा सिख संगतां वल्लों बड़ी श्रद्धा उत्साह ते भावना दे सहित ये पावन पुरब मनाया जा रहा है और समुचे गुरु खालसा पंथ नूं नानक नाम लेवा सिख संगत नूं दास वल्लों इस महान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत वधाइयां। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने जो महान उपदेश दिते जो महान सिख्यावां दित्तियां समुची मानवता हमेशा धन गुरु रामदास पातशाह जी की ऋणी रहेगी। धन गुरु रामदास पातशाह जी की देन बहुत वड्डी है जिसनों कदे भी किसी कीमत के उत्ते भुलाउणा जिहड़ा है वह नामुमकिन है। अज चक रामदासपुरा जिन्हों असी श्री अमृतसर साहब कह के सत्कार दिंदे हां जिथे अमृत सरोवर है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी सुशोभित है यदि स्थापना धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने की। सिखी के प्रचार के प्रसार के लिए धन गुरु रामदास महाराज जी ने मसंत प्रथा की स्थापना की जिदे नाल बहुत दूर दूर तक सिखी की महक खिल रही। गुरु नानक पातशाह की विचारधारा धन गुरु रामदास पातशाह जी ने कोने कोने तक पहुँचाई। एक बारी फिर धन गुरु रामदास पातशाह जी दे महान इस पुरब दियां प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।